नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। शुरुआत करते हैं पा धातु के ही विधि ली लकार में, चाहिए अर्थ पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। एकवचन द्विवचन और बहुवचन। पा धातु में जब मैं चलूंगा तो पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत। पिबेयम पिबेव पिबेम। यहां हमारा पहला प्रश्न ये है कि हम जब यहां शुरुआत करेंगे तो पिबेद से जो बन रहा है उस पर हम बात करें, और एक एक प्रश्न को जब हम देखते हुए चलेंगे तो कहा पिबेत इत्यत्र लकार है क्या, लकार क्या है, या लट लकार है या फिर लोट लकार है। लंग लकार है या फिर विधिलिंग लकार है। लकार है तो कौन सा लकार है। पा धातु है लकार। मित्रों जब चार प्रश्न ऑप्शन हो तो आंसर देना जरूरी होता है, तो हम आंसर यहां जब देंगे तो क्या बन रहा है, पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम। पिबेत पिबेतम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम। पिबेत में लकार कौन सा होगा, और लकार का यदि हमें ध्यान पड़ जाए तो निश्चित रूप से यहां पर हम कर सकते हैं पिबेत पिबेता पिबेयु पिबे पिबेतम पिबे पिबेयम पिबेव पिबेम। पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबे पिबेयम पिबेव पिबेम। और यहां पर विधि लिंग लकार है आंसर। यहां पर आंसर क्या होगा इस पे भी ध्यान रखें। अगला मेरा यहां पर जो प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से, पिबेव इत्यत्र
मूल धातु। अस्थि मूल धातु क्या है? तो मूल धातु के लिए हमें ध्यान रखना होगा, क्या यहां पिब है या फिर पा है या फिर पिब है या यच्छ है। यच्छ है, ये हमारे पास सभी के पास है। अब आपको यहां धीरे धीरे समझना और देखना है। जब मैंने पिबेव का हमें इत्यत्र मूल धातु पूछा है, जब मूल धातु की ही बात हुई है तो याद रखिएगा कौन सी धातु है मूल? पा। पा यहां मूल धातु होगी। पा धातु के तत्काल बाद ही हम आगे की धातुओं को और भी देखेंगे। तो हमारे पास छोटी और सरल धातुओं में धातुओं की ओर लेके चलें तो हमारे पास है पच। पच धातु जो है पकाना, लट लकार है, पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पच धातु से बनता है पचती, पचते हैं, पचंती। पचसी, पचथे, पचत। पचामी, पचावह, पचाम। तीसरे पे चलें और आगे प्रश्नों को देखते हुए चलें, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमें। पच धातु है तो यहां पर कहा पचती, पचती, पचते, पचंती, पचसी, पचते, पचत, पचामी, पचावह, पचामह। तो पच धातु मूल धातुर अस्ति, मूल धातु है, क्या है ये बताना है यहां। तो यहां पर मूल धातु है पा या फिर पच यच्छ दा। कौन सी है यहां पर मूल धातु? तो मूल धातु यहां ध्यान रखो, यहां मूल धातु है बी आंसर। कहा पचित है इत्यत्र लकार है के। लकार क्या है? तो लकार का हम यहां प्रयोग करेंगे, क्या यहां लट लकार है या फिर लृट लकार है या फिर लोट लकार है या फिर लंग लकार है। चार ऑप्शन है मेरे हाथ में। अब यहां पर
आपको ये बताना है कि यहां पर कौन सा लकार है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। चार ऑप्शंस हैं आपके हाथ में और ये चार ऑप्शंस जो हैं वो आपके यहाँ सामने रखे हैं, इनमें से देख करके आपको चूज करना है यानी कि बताना है, ठीक है? क्योंकि यहां पर जो है उस पे से आपको उत्तर बताना है। फिर हमारे पास है पच धातु का, पच धातु है और लृट लकार है, जिसका अर्थ क्या है भाई? पच धातु का पकाना, लकार जो है ये भविष्यत काल, भविष्यत काल। और उसकी बात करूं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब यहां पर हमारा लृट लकार है भविष्यत काल, इसमें ध्यान रखिएगा। पक्षयति, पक्षयता, पक्षयन्ति, पक्षयसि, पक्षयथा, पक्षयथ, पक्षयामि, पक्षयावह, पक्षयामि। प्रश्नों की घड़ी में हम यहां पांचवा प्रश्न है, पक्षेयसी इत्यत्र मूल धातु के, मूल धातु कौन सी है ये आपको बतानी होगी। यहां पर क्या पक्ष है या मूल धातु पच है या फिर पा है या पिब है, पिब है ये आपको यहां देख करके और फिर बतानी है। इत्यत्र लकार है के, लकार है के, कौन सा लकार है? तो यहां पर लट लकार है या फिर लोट लकार है, रिट लकार है या फिर विधिलिंग लकार है? ये प्रश्न आपके लिए, अब आपको जवाब देना है। टिंकू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टिंकू चौधरी भरतपुर से हैं मित्र। टिंकू जी नमो नमः। संस्कृत में प्रश्न है, आंसर देने का प्रयास करें। मेरे पास यहाँ आपके सामने लिखा हुआ जो प्रश्न है उसका उत्तर यदि आपको ऊपर देख करके समझ में आ रहा है तो उसका आंसर दे कि मूल धातु क्या है।
तो यहां पर आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है, और उत्तर देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या जब भी उत्तर दें, प्रश्न संख्या यहाँ लिखी हुई है, प्रश्न संख्या लिख करके फिर आप आंसर दें ताकि आपको सहज हो जाए। पच धातु, पच धातु है, लोट लकार है, अर्थार्थ आज्ञा अर्थ में, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और अब जो है यहां पर लोट लकार में पच धातु में जब मैं जाऊं आज्ञा अर्थ में, तो बनता है पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। देवेंद्र जी की फुल्कू भाई जो है शानदार क्लास कह रहे हैं। बस मेरा ये है कि आप लगातार आंसर का, प्रश्न का उत्तर भी देने की कोशिश करें। यहां मेरे पास है पच, इत्यत्र लकारः कः, लकार कौन सा है? पचतु, पचताम, पचन्तु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। यहां पर लकार कौन सा है इसका उत्तर भी आपको देना है। क्या यहाँ लृट लकार है, या फिर लोट लकार है? सी की बात करूं तो मेरे पास यहां पर लट लकार है, लंग लकार, या फिर लट लकार है। आठवां प्रश्न है कि पचाव इत्यत्र वचनम किम्। क्या द्विवचन है, एक वचन है, या फिर बहुवचन है, या फिर कोई नहीं, या सर्वे है? जो भी है आपके हाथ में। दलजीत सिंह जी नमस्कार, नमो नमः आपको भी। प्रश्न मेरा ये है, यदि आप क्लास को देख रहे हैं आप सभी और समय मिल रहा है आपको, तो इन प्रश्नों का ए बी सी डी के आधार पर आंसर भी देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ लोट लकार है, जैसे कि पच धातु है, लोट लकार है, पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम, पचानी, पचाव, पचाम। अब हम, यह मेरे पास पहला है पच धातु, पच इत्यत्र लकारे के कहा, यहाँ जो पच है देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, वहां लकार भी पूछ रहे हैं, लकार भी ऊपर लिखा हुआ है, और पचाव में यहाँ वचन कौन सा है, तो यहाँ वचन भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शंस के आंसर दे भी। चलिए मित्रों आगे बढ़ता हूं।
पच धातु है, लंग लकार है और भूतकाल है, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां मैं लंग लकार में लेके जाऊं तो बनता है ए पचत, ए पचताम, ए पचन, ए पच, ए पचतम, ए पचत, ए पचम, ए पचाव, ए पचाम। हम प्रश्नों के आधार पर पीछे जाएं तो 8 हो चुके हैं। 9वें पर मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि ए पचत इत्यत्र पुरुषः के, पुरुषः के प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है या फिर सर्वे। 10वां प्रश्न इसी पर रिलेटेड है, पुरुष के बाद में कि अपच इत्यत्र लकार है के, लकार कौन सा है, क्या लट लकार है, लोट है या फिर लंग है या फिर आपका जो डी ऑप्शन में मैं वो रख दूं वो है लिंग लकार है। अब यहां पर सैनी जी की एक फरमाइश है राजकुमार जी की कि श्रू धातु को भी बिल्कुल समझाऊंगा, बस आपने आज डिमांड उठाई है मैं इसको जरूर बताऊंगा। श्रुद में धातु में उ छोटा होता है बड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। शु का अर्थ सुनना होता है ना, सुनोती सुनते सुनवंती, सुनोसी सुनते है सुनत, सुनोमी सुनवह सुनमे, ऐसा नहीं बनता है। वहां बनता है सुनोती, लट लकार में श्रु धातु है, श्रु धातु से याद रखिएगा श्रु यानी सुनना, जिसका श्रेय बनता है लट लकार में ये बनेगा श्रोष्यति, ये लट लकार में, ये आपका कहां बनेगा किस पे लिट लकार में, और यहां पर श्रुणवतु ये बनेगा आपके किस में लोट लकार में, है वत ये कहां बनेगा आपके लंग लकार में, और आपका शुणुयात ये कहां बनेगा आपके विधीन लकार में, बिल्कुल। और इस बार तो आप सेकंड गेट के हैं जय कुमार, राजकुमार सैनी जी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा वो भी मुझे यदि बता दें तो मैं आपको समझा दूंगा श्रु धातु के बारे में और भी।
आइए मित्रों थोड़ा सा देखें, मेरे पास है अपचत, अपचताम, अपचन, अपच, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचा, अपचा। आपके पास दो प्रश्न फिर आ गए हैं, आपको इनका आंसर आप ही को देना है यहां देख करके, क्योंकि आपके यहां पच धातु का लंग लकार ये हुआ है। पच धातु में विधिलिंग लेके चलूंगा, चाहिए अर्थ में श्रु धातु पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का जब बात चलती है तो उस पे भी हमें ध्यान रखना होगा। रीट में श्रु धातु, बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगा, और मैं आपकी इसी चीज को मैंने कहा ना, एक बार आप डिमांड तो करें, फिर देखिएगा मैं यही लकारों में आपको इन चीजों समझाऊंगा। आज ऐसे बालक का जो मांग आई है कि राजकुमार सैनी जी का, कि हम श्रु धातु को भी समझाया जाए, बिल्कुल समझाएंगे हम। और मैं चल रहा हूँ सिलेबस को लेकर के, क्योंकि श्रु धातु रीट के सिलेबस विशेष में नहीं है, फिर भी यदि बच्चा समझता है हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल तैयार होकर चले। पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेम, पचेन। हम पच धातु के विधिलिंग लकार में इसे लेके गए हैं, क्योंकि मैंने अभी पा धातु का खत्म किए हैं, पच है और एक धातु और है इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं क्रम ना तोड़ करके आपका मनोबल खराब नहीं कर सकता। फिर भी ध्यान रखें, पा धातु और पच धातु एक और भी है, प्रच धातु। श्रु धातु की तरह ही चलने वाली जो धातुएं हैं उनकी भी मैं यहीं इसी क्लास में, इसके लिए मैं कहूंगा राजकुमार जी आप लगातार क्लास में रहें प्रतिदिन, तो मैं आपको यहां समझाऊंगा। यहां पर आया पच में प्रश्न है मेरा कि पचेत इत्यत्र वचनम किम, क्या वचन है, क्या एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। या फिर सर्वे, सारे के सारे, सारे के सारे हैं। आपको आंसर भी देना है, प्रश्न के आंसर आप ही को ही देने हैं, क्योंकि मैंने तो आंसर सहित सब कुछ लिख दिया है यहां। और जब तक आपको ये चीजें ध्यान है तब तक आपको ये कार्य करना है, ठीक है। परीक्षक का प्रश्न है, पचे इत्यत्र लकार है क्या, लकार है क्या, लट, फिर है विधिलिंग, लोट या लंग।
कौन सा लकार है यहां, इस पर भी आपको करना है कि यहां पर जो लकार है आपके पास, पचेत पचेताम पचेयु, पचे पचेतम पचेत, पचेयम पचेव पचेम, ध्यान रखें पच धातु के विशेष में। तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर जो है लगातार जब भी आपके पास समय हो आंसर जरूर दीजिएगा इनके, क्योंकि प्रश्नों के आंसर देना आपका विशेष अधिकार क्षेत्र है और मैं जा रहा हूं प्रश्न धातु पर जिसका अर्थ है पूछना। लट लकार में पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर प्रच्छ धातु का बनता है प्रच्छति, प्रच्छते, प्रच्छन्ति। इसी प्रकार बहुत बढ़िया राजकुमार जी, आप लगातार यदि कंटिन्यू बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके तमाम संस्कृत के जितने भी प्रश्न रहेंगे मैं बारी बारी से कवर करूंगा। कोशिश यही रहेगी मेरी हर हालत में आपको जिताना। और इसका जो है ध्यान रखिएगा, प्रच्छसी, प्रच्छत है, प्रच्छत, प्रच्छामी, प्रच्छावे, प्रच्छावे। तो इस तरह से मेरे पास 12वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न है मेरे पास, 13वें प्रश्न का आपको जवाब देना है कि प्रच्छसी इत्यत्र मूल धातु क्या, मूल धातु कौन सी है, क्या यच्छ है या दा है, पा है या फिर प्रच्छ है। और 14वां मेरा प्रश्न है प्रच्छत इत्यत्र लकार है के, लकार कौन सा है, लकार यहां पर क्या लट लकार है, लोट है, लंग है और विधि लिंग है। विधि लिंग है कौन सा यहां पर है, काना राजकुमार जी लगातार और देवेंदा जी, टिंकू जी, मैं कहूंगा दिलजीत जी भी जो है वो भी हैं मेरे पास, ये प्रश्न आ गए हैं
एग्जामिनर मूल धातु विशेष को लेकर के पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा धातुएं में कैसे क्या चलता है। और मित्रों आज हमारा जो है लट लकार में प्रश्न है, क्योंकि याद रखिएगा जवाब मुझे देना है, प्रश्न आपको करना है, लेकिन जब प्रश्न मैंने बनाए यहां पर आपके लिए लिखे हैं तो उत्तर ए बी सी डी का नाम पर आपको देना है, यह आपको ध्यान रखना है। ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश दीवान, पुनः मिलने के लिए नमो नमः, नमस्कार।